Acha, what level of understanding of current affairs and politics is required before I decide? Basic newspaper padh lo, basic local news pata honi chahiye, international news pata honi chahiye. Main do cheeze hamesha recommend karti hu ki ek to aap local akhbar padhoge aur ek international akhbar padho, international news liye, taki aapko pata hoge ki international community kis tarah se ek particular issue dekh rahi hai, Pakistan usko kis tarah se dekh rahe hai, international community kis tarah se dekh rahe hai. So Don le lo, international economist le lo aap, ya koi bhi aur le lo, theek hai, any New York Times, matlab any akhbar that you think is comfortable, that you comfortable, Washington Post pe padhti thi. तो जो भी आपको अच्छा लगता है उसको स्क्रॉल, जो इंटरनेशनल अखबार है उसको स्क्रॉल कर लो आप सोने से पहले, एक बार देख लो कि जी सही है नहीं है, जो चीज़ें मैंने मिस की हैं, जो चीज़ें करनी चाहिए कवर, ठीक है. और लोकल अखबार आप सुबह सुबह उठ के पढ़ लो. आप पूरा लोकल अखबार आपने चाटना नहीं है, ठीक है. आपने करना यह उसके इंपॉर्टेंट सेक्शन, जो इंपॉर्टेंट जो इशूज़ जो करंट अफेयर्स के हैं उनसे रिलेटेड जो सवाल आते हैं उनको एक बार आप देख लो. ये नहीं कि एक शोहर ने बीवी को मार दिया, उसको सजाए मौत होगी, उसको फलानी सजा होगी, ये चीज़ें रेलिवेंट नहीं है, ठीक है. ना ही आपको आनी चाहिए, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है, अपने आप को थकाने की. तो ये फजूल की चीज़ें नहीं देखनी. आपने इकॉनमी से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड अखबार पढ़ो, उसके सेक्शंस पढ़ो, ठीक है. आई थिंक अब मैं भूल रही हूँ, लेकिन डॉन के पहले चार सफ़े, उसके बीच में एडिटोरियल फिर आ जाता है, फिर एडिटोरियल पर चले जाओ, उसके एडिटोरियल के बाद जो आखिरी दो तीन सफ़े होते हैं इंटरनेशनल के, आई थिंक दैट शुड बी मोर देन एनफ. बिजनेस का एक बार गो थ्रू कर लो.